फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूं आपके साथ आज फेबररी के करंट अफेयर्स विद 15 फेबररी मॉक टेस्ट ऑफ डेली जी के आप लोग ये जी के पा सकते हैं स्मार्ट किरा डॉट कॉम पर भी बट फॉर ईज ऑफ असेस वी आर प्रोवाइडिंग द वीडियो सीरीज सो लेट्स स्टार्ट विद इट

जनवरी वन ट्वेंटी फूड रेगुलेटर एफ ने कहा है कि रेगुलेशन होंगी लिमिट में ट्रांस फैटी एसिड्स के इन ऑल फूड आइटम्स और ये इसके साथ ही इंडिया जो है ज्वाइन कर जाता है लीग ऑफ सेवरल अदर नेशंस जिनके पास बेस्ट प्रैक्टिस हैं पॉलिसीज फॉर ट्रांस फैट एलिमिनेशन दिस इज वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री For the construction of Lalander Dam in the country, in that country, so kindly of tell: Indonesia, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, none of these. Indian government has recently signed a Memorandum of Understanding from which country? With which country to, for building a construction of a dam in that country? The name of the dam is Lalander. The answer is Afghanistan. So, this Prime Minister Narendra Modi ji na signed this deal. और इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर के लिए भी कॉल किया था उन्होंने इंडिया बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है अफगानिस्तान के अंदर और ये उसमें एक और इन्वेस्टमेंट है सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यू आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है ऑन बैंकिंग ओबर्ट्समेंट स्कीम तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक रोज बाय वॉट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू 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 kindly tell me the right answer 52% 60% 54% 58% none of these rbi annual report case banking ombudsman scheme pay number of complaints against bank rose by what percent in the financial year the answer is 58% let us go ahead so this is rbi's annual report on banking ombudsman scheme और ये टोटल कंप्लेंट थी, थी तीन लाख आठ हजार छह सौ तीस एस अगेंस्ट एक लाख पचानवे हजार नौ सौ एक इज़ थ्री लाख एट थाउजेंड सिक्स थर्टी वर्ल्ड पल्स डे जो मनाया जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन को वो कौन सी थीम के साथ मनाया गया है सो so इसका आंसर है लव पल्स फॉर हेल्थी डाइट एंड प्लान आप में से कई लोगों को पता होगा कि पल्सिस जो हैं वेजिटेरियंस के लिए एटलीस्ट एंड इवन फॉर नॉन वेजिटेरियंस बट एस्पेशली फॉर वेजिटेरियंस मेन मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन तभी ये मिड डे स्कीम्स में भी दी जाती है और यू एन जनरल असेंबली ने दो हजार उन्नीस में डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड पल्सिस डे मनाएंगे बहुत रिसेंट डे इसलिए इसको सेलिब्रेट किया गया फेबर दस हर साल मनाया जाता है इसको सो लेट लेटस गो अहेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट ऑल सिविलियन क्रू

एलॉन so मस्क की है स्पेस एक्स काइंडली याद रखें टेस्ला में भी उनके शेयर हैं बट टेस्ला इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ठीक है एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है ये कह रही है कि हम ऑल सिविलियन क्रू जो है वो भेजेंगे और इन्होंने जेरेड इजैक मैन को चूज किया है एज द कमांडर ऑफ दैट मिशन अब्रॉड अबोर्ड जाएंगे इस ऑर्बिट में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अंदर राइट जरा मुजिली पास डबी रिसेंटली वॉज द फॉर्मर फास्ट बॉलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ये बॉलर है इसे काइंडली उसी तरीके से पढ़े सो द आंसर इज वेस्टइंडीज तो फॉर्मर फास्ट वेस्ट इंडीज बॉलर है इजरा मुजली ये डाई कर गए हैं बिकॉज इन्हें हिट किया गया था एक कार द्वारा एक्सीडेंट में डाई किए सिक्सटी थ्री ईयर ओल्ड है दो टेस्ट इन्होंने खेले थे और वन वन डे इंटरनेशनल सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट अ प्लेयर बट

इन्होंने फेमसली डिफीट किया था मोहम्मद अली को एटीन मंथसर विनिंग द गोल्ड एट मॉटर बैटलिंग वेरियस इन रिसेंट इन्हें डायग्नोज किया विच वन ऑफ द फॉलोइंगज ऑर्डर द मेमोयर टाइटल ब्यूटिफुल थिंग्स किसने लिखी है यह बुक जो रिसेंटली ऑथर हुई है मेमोयर टाइटल ब्यूटिफुल थिंग्स काइंडली आप आंसर बताए सो दंट बाइडन हंटर बाइडन इज द सन ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन जो कि छियालीसवें प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ट्रंप को हटाया है डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली है उनके बेटे हैं और उन्होंने लिखा है ये ब्यूटीफुल थिंग्स ये बाइडन की ऑनगोइंग स्ट्रगल्स विद सब्सटेंस एब्यूज के ऊपर डील करती है यानी कि बाइडन खुद ना कि प्रेजिडेंट जो बाइडन इट इज़ एन इम्प्रिंट ऑफ साइमन एंड पब्लिशर ए गैलरी बुक्स एंड इम्प्रिंट ऑफ साइमन एंड शिस्टर ठीक है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट हंटर बाइडन जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट आई है बिजनेस डीलिंग्स के साथ चाइना उसमें एक मेजर पार्टनर रहा है ऐसी कॉन्स्पिरसी थ्योरीज और ऐसी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के सीएम ने टेबल किया है टू लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी एट करोड़ का बजट सो काइंडली आप गेस्ट लें काइंडली गेस्ट लें उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड नन ऑफ दिस उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड रन ऑफ दीस दंसर इज वेस्ट बेंगाल सो वेस्ट बंगाल ने यह डिसीजन लिया है ये ऑलमोस्ट तीन लाख करोड़ का बजट है यह एबसेंस ऑफ अमित मित्रा के एबसेंस में लिया गया है राइट right? और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही थी इसलिए यह लिया गया है बीजेपी और सीपीएमएलए ने बॉयकॉउट किया है बजट एंड देव वॉकड आउट ऑफ द असेंबली विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट थर्टी वन डिस्ट्रिक्ट विच स्टेट का बना है कौन से स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बना है विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट केरला तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक नन ऑफ दिस काइंडली बताए कर्नाटक सो so, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट हैज बीन नेम्ड एज द थर्टी फर्स्ट दिस्ट्रि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका तो ये विजयनगरा है इसके साथ ही स्टेट के इकतीस डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये काब आउट हुआ है फ्रॉम बलारी अंडर द कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 सौ ये फेमस है फॉर इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी एंड विरूपक्षा टेम्पल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सा पर्सन ऐसा है गोइंग टू बी द द हेड ऑफ कमिटी बाय द गवर्नमेंट जो कि रिव्यू करेंगे इंडस्ट्री की ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज मैन ऑन ट्वेंटी सेवन वाइडली यूज पेस्टिसाइड्स जो कि ऑफिशियल्स कह रहे हैं हार्मफुल है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए सो so, काइंडली बताएं काइंडली बताएं जी सतीश रेड्डी बी एम खन्ना टीपी राजेंद्रन त्रिलोचन मोहपात्रा और नन ऑफ दीज अपना आंसर बोले सो द आंसर इज टीपी राजेंद्रन द आंसर इज टीपी राजेंद्रन। सो द कमिटी लेड बाय चेयरमैन टीपी राजेंद्रन, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं ये आईसीआर के ये सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट तीन मंथ्स के अंदर राइट right? ये उन 27 पेस्टिसाइड्स के ऊपर uh, काम करेंगे जो गवर्नमेंट चाहती है बैन हो जाए रिजर्व पुलिस फोर्स ने हाउ मेनी वुमेन कमांडोज इन इट स्पेश कमांडो बटेलियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन ली है कितनी, कितनी भर्ती हुई है अगर हम हिंदी में बात करें तो कितनी भर्ती हुई है सो द आंसर इज़ 34 ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइट कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा दो हजार 2009 में रेज हुई थी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए इसे बनाया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है न्यू रेंज ऑफ पैकेज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड लॉमी कनेक्ट ऐप ताकि फार्मर्स कनेक्ट हो सके हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ त्रिपुरा मणिपुर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नन ऑफ दीस काइंडली आंसर करें सो द आंसर इज मणिपुर मणिपुर पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने वाला स्टेट नंबर वन बना था नहीं ना ये सिक्किम बना था द आंसर फॉर दिस इज मणिपुर सो काइंडली रिमेंबर इसके साथ आप कंफ्यूज ना करें सिक्किम है ऑर्गेनिक खेती के लिए मशहूर लेकिन ये जो न्यू रेंज ऑफ पैकेज और ये लॉमी कनेक्ट ऐप आई है ये मणिपुर के अंदर आई है तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह ने लॉन्च किए हैं ये राइट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेज ऑर्गेनिक आइटम्स में आएंगे स्पाइस बॉक्स चाखो लड्डू बॉक्स ड्राई कीवी ब्लैक राइस फ्लोर ब्लैक राइस फ्लेक्स सैश ऑफ ऑर्गेनिक ट्रमिक गिंगर किंग चिली पाउडर सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है कि कहा ले हुआ है, है? गुलमार्ग पहलगाम मनाली श्रीनगर यानी कि सारे के सारे हिली एरिया तो बताएं श्रीनगर वैली है तो काइंडली आप बताए इंडियन आर्मी ने कहा फाउंडेशन स्टोन लिया है टॉलिस आइकॉनिक नेशनल फ्लैग का दुलमार्ग आर्मी so, ने ये टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग बनाया है जे के गुलमर्ग में और इसे बोला गया है कि दिस विल बी हंड्रेड फीट हाई पोल सो ये आइकॉनिक रहेगा और ये फर्स्ट है इन मेनी वेज ये अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी कश्मीर के अंदर तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया विल ओवरटेक विच कंट्री एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय ट्वेंटी Which group or which country India will overtake? Germany, European Union, United States, China, none of these. Kindly answer. Kindly answer. So the answer for this is European Union. So India is to overtake you as the world's third largest energy consumer by 2030. Right? आपको याद रखना चाहिए कि ईयू में अब 27 मेंबर्स ही हैं जब से यूके ने उसको लीव कर दिया है यूके की करेंसी अब स्टर्लिंग पाउंड है वापस से पहले ये यूरो हुआ करती थी बाकी सभी कंट्रीज की करेंसी जो है यूरो है। इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन साइंस ट्वेंटी ट्वेंटी फेब्रवरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स क्या थीम थी इस डे की तो इस बारी के इस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 की थीम थी वुमेन ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ये ग्लोबल ऑब्जर्वेंस डे है 11 फरवरी को मनाया जाता है इन साइंस असेंबली ऑर्गेनाइज किया जाता है राइट ये रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस इंटरनेशनल ट्रस्ट मनाती है अलॉन्ग विद परमानेंट मिशन ऑफ सबरल कंट्रीज टू द यूनाइटेड नेशन एफ्रिकन यूनियन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइशन यीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड साइंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो हजार इक्कीस वर्ल्ड यूनाननी डे कौन से दिन को ऑब्जर्व किया गया है सो आपका आंसर है फेबरवरी ग्यारह फेबर नौ फेबर आठ फेबर दस नन ऑफ दिस क्या इन मे से फरवरी 11, फरवरी 9, फरवरी 8, फरवरी 10 कौन से दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड यूनानी डे सो द आंसर करेक्ट आंसर इज फरवरी 11. वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है ये ग्रेट यूनानी स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर हकीम अजमल खान की भी बर्थ एनिवर्सरी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है ये इंडियन यूनानी फिजिशियन थे वर्सेटाइल जीनियस थे ग्रेट स्कॉलर थे सोशल रिफॉर्मर थे और नोटेड फ्रीडम फाइटर भी थे इन्होंने वन ऑफ द फाउंडर्स थे ये जामिया मिलिया इस्लामा इन न्यू डेली के अंदर

ब्रूस टेलर ये फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर थे और ये ओनली क्रिकेटर थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी एंड फाइव फॉर ऑन अ टेस्ट डेब्यू लिया था ये एज सेवेंटी सेवन के अंदर डाई कर गए इनके जो जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज है उन्होंने कहा है कि ये इल हेल्थ और इनकी लेग एम्पूटेट हुई थी मार्च दो में टू फाइट गैंग्रीन तो काफ़ी सफर कर रहे थे और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कंफर्म किया है इनका पासिंग ऑन द ट्विटर तो बहुत बड़ी बात होती है कि को कोई क्रिकेटर सेंचुरी भी बनाए और फाइव विकेट हॉल भी ले ऑन द टेस्ट डेब्यू जो अश्विन ने आज किया है आर रविंद्र अश्विन जी ने जो आज किया है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के साथ वो इन्होंने फर्स्ट टेस्ट में ही कर दिया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल गगन यान विल बी लॉन्च आफ्टर द सेकेंड अनमैन मिशन प्लान इन कौन से लॉन्च होगा 24, 25 में 21, 22 में 22, 23 में 23, 24 में काइंडली आंसर द करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज 22 टू 23 में ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है आफ्टर द सेकेंड अनमैन मिशन राइट सो इनिशियली ष था कि दस हजार करोड़ रुपए लगेंगे और ये थ्री मेंबर क्रू भेजेंगे फाइव टू सेवन डेज बाय 2022 ट्वेंटी टू वेन इंडिया कंप्लीट सेवेंटी फाइव ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस राइट ये लॉन्च किया जाएगा मनसा वाराणसी वॉन द वीएलसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी शी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सो आपको बताने कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं है आंसर इज हिमाचल प्रदेश झारखंड उड़ीसा तेलंगाना ऑफ दिस कौन सा आंसर है इसका तो द तो तो आंसर इज इज तेलंगाना शी एन इंजीनियर फ्रॉम तेलंगाना एंड शी हैज बैक द वी एल सी फेमि मिस इंडिया वर्ल्ड टाइटल हरियाणा की मनिका शिवकंड को मिस ग्रैंड इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी एज उत्तर प्रदेश मान्या सिंह को वीएलसी फेमिना मिस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी रनर घोषित किया गया है थर्टी वन फाइनलिस्ट शॉर्ट किए गए थे ज्यूरी Panel may comprise actor Neha Dhupia, Chitra Singh, Pulkit Samrat, and renowned designer duo Falguni and Shane Peacock. Thank you for watching, dear friends. Keep yourself tuned for daily current affairs and daily mock drill videos on the Smart Kida channel. We'll keep you inspired and prepared for the competitions that are coming in this year and next year as well. Thank you very much.